भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल चपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और आज की हमारी वीडियो में हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे इनटू द डेट 2। एक बारी मैं ये गेम ऑलरेडी खेल चुका हूँ, इसका गेम प्ले लेट्स प्ले मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो लेट्स प्ले नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसे देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं पर होगा, तो उसे क्लिक कीजिए और उसे देखिए। बहुत ही रोमांचक मज़ेदार गेम है। तो ये वीडियो मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ क्योंकि सांस लेने दो यार, क्योंकि मुझे लगता है कि इस गेम को मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। इसके मैकेनिक्स वगैरह, इसका कॉन्सेप्ट जो है, कैसे खेलना है, क्या करना है वगैरह वगैरह वगैरह, वो मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। तो मुझे लगा कि कुछ रह गया है, तो मुझे अंदर से मतलब कि फीलिंग सी आ रही है भाई कुछ रह गया है। तो एक बार फिर से इसकी वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा कि इस गेम में करना क्या है, होता क्या है, कैसी खेलनी है, मैकेनिक्स क्या है, बाइंग क्या करना है, सेलिंग क्या करना है, शूट किसे करना है, आगे कैसे जाना है, पीछे कैसे जाना है, छुपना कैसे है, मारना कैसे है, मरना कैसे है, वगैरह 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 वगैरह। तो चलिए भाई, ये बातें वगैरह तो होती रहेंगी, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इस गेम के मैकेनिक्स। करना क्या होगा आपने, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको स्ट्रेट जाना है। आपने लेफ्ट भी नहीं मुड़ना, आपने राइट भी नहीं मुड़ना, आपको कहीं पे मुड़ने भी नहीं देगा, राइट, यू जस्ट गॉट टू गो स्ट्रेट। आपने एक ही डायरेक्शन में जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। और हैरानगी वाली बात यह है कि भाई लोगों, आप आगे जाने के अलावा या स्ट्रेट जाने के अलावा आप कहीं और पे जा भी नहीं सकते। सो यू कैन ओनली गो स्ट्रेट, आई रिपीट, ओनली गो स्ट्रेट, सॉरी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एनीवे गाइस, तो जब आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपके सामने ज़ॉम्बीज आते रहेंगे, तो ज़ॉम्बीज ऑटोमेटिकली आपके सामने ही स्पॉन होंगे और आपके पास एक गन है, तो टैप करके आप उस ज़ॉम्बी को किल कर सकते हो। आपको कोई भी एम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो एम भी खुद करेगा और आगे भी खुद जाएगा, इट्स ऑल ऑटोमेटिक, राइट। तो आप जब भी टैप करेंगे वो ऑटोमेटिकली एम करके ज़ॉम्बी को शूट कर देगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ज़ॉम्बी जस्ट कॉर बी लाइक स्ट्रेट अहेड, तो ज़ॉम्बी जब आप शूट करोगे तो वो ज़ॉम्बी आपके बंदूक के सामने होना चाहिए, राइट। आई होप ऑल दिस फकिंग बॉलक्स इज मेकिंग सेंस। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने सिर्फ टैप दबाना है और वो एम और वो आगे खुद जाएगा। आगे जाने के दौरान जब आपकी बंदूक ख़त्म हो जाएगी तो आप लीन लेफ्ट कर सकते हो, लीन राइट भी कर सकते हो ज़ॉम्बीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो मेक श्योर ज़ॉम्बीज़ डोंट कैच यू। और अगर बदकिस्मती से आपको ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं तो आपके पास एक चाकू है, वो चाकू मार के आप ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और वो चाकू मारने का तरीका और चाकू मारने का मौका, सॉरी मौका आपको सिर्फ एक ही बार दिया जाएगा। तो अगर आपने वो चाकू यूज़ कर लिया तो आगे जाके आपको ज़ॉम्बीज़ ने फिर से पकड़ लिया तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आपका प्लेयर मर जाएगा, यू जस्ट गोना डाई एंड रिस्पॉन अगेन। तो मेक श्योर ज़ॉम्बीज़ डोंट कैच यू द सेकंड टाइम। और इसके बाद भाइयों, हर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको एक लूट बॉक्स दिया जाएगा, जो कि आप खोलोगे तो उसके अंदर तरह तरह की चीज़ें निकलेंगी, विच आर वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग दिस गेम। तो मेक श्योर आपने लूट बॉक्स की चीज़ें ओपन करनी है और आपने इक्विप भी करनी है। दूसरी एक बात आपको मैं बता देता हूँ भाइयों, कि इस गेम्स के अंदर एम्बुनिशन जो है, जो आपकी बुलेट्स हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं यार। आपको सोचना है कि यार हज़ारों लाखों जॉम्बीज आते रहते हैं और आपके पास सिर्फ गिनी चुनी बुलेट्स हैं, सो यू गॉट टू मेक श्योर यू यूज़ इट वाइजली, राइट। तो आपने सारी बुलेट्स एक ही बार में वेस्ट नहीं करनी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने बुलेट्स वगैरह यूज़ करनी है, तो प्लीज़ कीप देम फकिंग सेफ। ऑल्सो टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, आपके रन के दौरान आपको एमो किट्स उठाने का मौका दिया जाएगा, जिसके अंदर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बुलेट्स होंगी। लेकिन कभी कभी आपके रन के दौरान आपको देखा जाएगा कि यार एमो किट्स उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी एमो किट्स पेड़ के पीछे पड़ी होती हैं या उनके सामने तीन चार ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं, तो उसको उठाना एकदम नामुमकिन सा ही हो जाता है। तो वंस अगेन मेक श्योर यू यूज़ योर बुलेट्स वाइजली। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आपके रन के दौरान आपको और बंदूकें यूज़ करने का भी मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम यूजिंग ए मिनी गन जो कि यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो ये मैं यूज़ करके ज़ॉम्बीज को मार के यहीं पे मुझे छोड़नी होगी, देन आई गॉट टू मूव फॉरवर्ड। ऑल्सो आपके रन के दौरान आपको स्पेशल एक्सप्लोडेबल बैरल्स मिलेंगे, जो कि आप अपनी बंदूक की गोली मार के फोड़ सकते हैं और उस धमाके से तीन चार ज़ॉम्बीज मतलब के वहीं पे ढेर हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, तो चिंता करने वाली कोई, टेंशन लेने वाली कोई भी जरूरत नहीं है, तो आपने गेम पूरी इंजॉय करनी है। और इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है गन्स में, या आप समझते हो कि आपकी गन्स पावरफुल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे चलते चलते गेम में आपको स्पेशल मिशन आएंगे जहाँ पे आप गन अनलॉक कर सकते हो, जैसे कि ये शॉटगन में अनलॉक कर सकता हूँ अगर मैं ये रन करूँ।
तो अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मौका दिया जाएगा शॉटगन अनलॉक करने का, और इसमें करना क्या है, मुझे सिर्फ 100 ज़ॉम्बीज मारने, तो 100 ज़ॉम्बीज अगर मैं मारूंगा तो ये शॉटगन अनलॉक हो जाएगी जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बाद भी अगर आपको गन्स या वेपन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप गेम के अंदर पॉइंट्स इकट्ठे करके अपनी गन को अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि इज़ गोना बी वेरी ब्लडी यूजफुल। और इसके बाद भी अगर आपको गन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर भी टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस गेम के अंदर टोटल 6 चैप्टर हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, टोटल 6 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर के 8 या 10 मिशंस होंगे, तो हर एक चैप्टर की हर एक स्पेशल गन है। तो अगर आपको पिस्टल के साथ प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे चैप्टर में आपको पिस्टल की जगह कोई और गन मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया 6 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर की हर एक स्पेशल गन है। और अगर उसके बाद भी गन्स या सप्लाईज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने असली पैसे खर्च के आप कॉइन्स ले सकते हो और स्पेशल गन्स वगैरह आप अनलॉक कर सकते हो। अगर आप स्टोर्स पे जाओगे तो आपके बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, आपको गोल्ड बाय करने का मौका मिलेगा, आपको सिल्वर कॉइन्स वगैरह बाय करने का मौका मिलेगा, तो गन्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त रोमांचक गेम है, iOS पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है, ज़बरदस्त गेम है, 6 चैप्टर हैं, ये गेम आपको बहुत बहुत बिजी रखने वाली है, तो खेलना मत भूलिएगा। और जाने से पहले एक बारी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इन सब सॉल्यूशंस के बाद भी अगर आपको गन्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ इस गेम को मत खेलिए, अनइंस्टॉल कीजिए और इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए और भूल जाइए कि मैंने क्या बताया इस गेम में। तो एक बारी फिर से thank you for your support guys, thank you very much for watching once again, don't forget to subscribe, don't forget to tell your friends, and I will see you in the next video, take care everyone and bye bye.